एक दो नौ हो गया। तीन चार तो है, पांच पांच स्टूडेंट है ना, एक दो तीन जी चार। जी वो धीरे धीरे वो रोकता स्टूडेंट को, वैसे कहते धीरे धीरे आएंगे 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 आएंगे। और ये देवाशीष जी तो स्टूडेंट नहीं है ना, वो तो ना टेक्निकल ना वो टेक्निकल हम लोग के सपोर्टर है, ही है ना, इसीलिए। हाँ लेकिन लेकिन देवाशीष सर स्टूडेंट कंटिन्यू आदमी कंटिन्यू वो हिंदी के ही टेक्निकल सपोर्ट में है, तो देवाशीष सर भी सुनते सुनते धीरे धीरे हिंदी के स्टूडेंट हो जाएंगे और कुछ दिन ऐसा चलेगा। मतलब अगर कोई नहीं मिलेगा किसी दिन टीचर, तो एक दिन का क्लास वो चला लेंगे। हाँ एक दिन का क्लास, क्या आप बोलेंगे मैं सुनूंगा जो रिसोर्स पर्सन है, क्लास चलेगा क्लास नहीं, मान लो कि टीचर कोई नहीं मिलेगा, तो एक क्लास वो एडजस्ट कर सकते हैं हाँ। देवाशीष सर इतने हो गए हैं वो। जी जी हिंदी सुनते सुनते किसी दिन देवाशीष सर से सुनते भी एक क्लास सुनते करवाएंगे। और कंटेंट्स भी सारे याद रख जाएंगे ना, मतलब उनको याद भी हो जाएगा। हाँ, ये जो अभी क्लास होती है तो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो सारा वीडियो उनके पास ही होता है, किसी दिन सेम हाँ टॉपिक पे पढ़ेगा तो वीडियो सुन के सर भी क्लास ले लेंगे एक दिन। देवाशीष सर आप उनको भी क्लास देवा सर दिन है। छोटा बच्चा सबसे शैतान है। वो मन सब जाए तो वही है। वो बोल नहीं पाता है, लेकिन बहुत कुछ भावनाएं उसके। देखो अभी बहन को मार रहा है। एक मिनट मैं उसको छोड़ के आ जाती हूँ। जी, मैम आइए उसका शुरू करते हैं। देवाशीष सर रिकॉर्डिंग का मुँह करूँ चु मारू देखी सर लेना आ गया। शुरू करेंगे क्लास। जी, मैम शुरू करते हैं, 11 हो गए, क्लास शुरू करते हैं मैम जी। हाँ सबसे पहले सुप्रभात सभी विद्यार्थियों का, आप सबका पुनः एक बार, मैं अभिषेक कुमार सिंह उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में पुनः एक बार स्वागत करता हूँ एक नए और नए विषय विशेषज्ञ के साथ। आज का जैसा विषय आप लोगों को ज्ञात होगा, पहले से आप लोगों को सूचना मिली होगी मेल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, फिर भी मैं बता देता हूँ आज का जो विषय हम लोग का BHD जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत DE के MIL ब्लॉक 2 पे आधारित है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भिक्षुक और हिरोशिमा इन दो पाठ्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जिसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रश्मि रेखा जैना मैम उपस्थित है। मैम के बारे में बता दूं तो वर्तमान में GM जूनियर कॉलेज जो संबलपुर में है वहां पे कार्यरत है मैम हिंदी विभाग में। तो मैं अपने विश्वविद्यालय को से मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैम आपने अपना समय हमारे हम विद्यार्थियों को दिया, और इसी के साथ मैं मैम को आग्रह करता हूँ कि आज की कक्षा को आगे बढ़ाए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद अभिषेक जी। सुप्रभात विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है सबका। मैं डॉक्टर रश्मि रेखा जैना। आज आपका विषय है आधुनिक हिंदी काव्य में दो कविताओं को हम लोग आज लेंगे, हिरोशिमा और भिक्षु कविता। ठीक है, आप लोगों के पास मेरे ख्याल से सारा मटेरियल्स होगा, आप लोगों के पास पहले से ही मौजूद है। हम थोड़ा जानने से पहले भिक्षु कविता या जो भी हिरोशिमा है, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे, उसके पहले की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे, उसकी परिस्थिति के बारे में जानेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, और आधुनिक हिंदी कविता कहाँ से शुरू हुई है, उसका इतिहास जो है उसको भी हम बारीकियों से देखेंगे, तो हमें थोड़ी सी आसान हो जाएगी पढ़ने में और समझने में।
आधुनिक हिंदी काव्य की जो समय सीमा है, आधुनिक युग आप लोगों को पता होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को चार काल खंडों में बांटा गया है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में आधुनिक हिंदी काव्य की जो समय सीमा है 1850 ईस्वी से आरंभ होती है और इसको सात खंडों में, सात भागों में बांटा गया है, समय को दृष्टि में रखकर, समय सीमा को रखकर। एक है भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता और फिर नवगीत और समकालीन कविता, जो कि आपके पास में जो मटेरियल है उसमें से, उसी में ही है और मैं उसमें से ही देख के ही आपको पढ़ा रही हूँ। थोड़ा बहुत अपने तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन ये आपके मटेरियल में है, तो इसलिए इसके बारे में हम बहुत ज्यादा विस्तृत से नहीं जाएंगे। समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके पास है। थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही इस युग का नामकरण हुआ है और इसकी समय सीमा जो है 1850 से 1900 तक है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि वचन सुधा पत्रिका से ये युग, समय सीमा इसकी आरंभ होती है और वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और ये आरंभ होकर, वचन सुधा पत्रिका से आरंभ होकर सरस्वती पत्रिका तक फैल जाती है और सरस्वती पत्रिका जो कि आपको पता है इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। और भारतेंदु युग में मुख्यतः ये प्री इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले का जो समय है, इसी युग, इसी समय को कहा गया है। और इसमें हम मुख्य रूप से देश प्रेम की बातों को देखेंगे, देश प्रेम की भावनाओं को देखेंगे, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोगों के अंदर नाटकों के माध्यम से, गीति नाट्यों के माध्यम से इसको जगाने की कोशिश, देश प्रेम की भावनाओं को जो सोए हुए जो भारतीय जनता थे उनको जगाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ये नामकरण किया गया है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जैसे कि आपको पता है कि इसको सुधारवादी काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में जो कि हमारे, एक तो साहित्यिक दृष्टि से भाषा का सुधार भी हुआ है, जो कि परिनिश्चित व्याकरणिक भाषा का प्रयोग, व्याकरणिक हिंदी, परिनिश्चित हिंदी का प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, और उसके साथ साथ समाज का सुधार भी हुआ है। समाज का सुधार जो कि, जैसे कि आपको पता होगा, उस समय जो सती दाह दाह प्रथा पहले से था कि पति के मरने के बाद जो है पत्नी को भी उसी में दाह होना पड़ता था, और ये सती दाह प्रथा का विरोध, बाल्य विवाह का विरोध, ये सब विरोध होके फिर विधवा विवाह का पुनः ये हुआ था, फिर ये जो समाज सुधार, इसलिए इसको सुधारवादी काल भी कहा जाता है। मतलब मुख्य रूप से हम देखते हैं सुधारवादिता को साहित्यिक दृष्टि में भी देखते हैं और समाज की दृष्टि में भी उसको देखते हैं। फिर उसके बाद है हमारा छायावाद युग, छायावाद युग जो 1920 से 1936 का समय है। छायावाद युग जो है ये ऐसा समय है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने को था, मतलब बीच का जो समय है, बीच की जो अवधि है, उसी को छायावाद युग कहा गया है। और इस छायावाद युग में साधारण रूप से एक युद्ध खत्म होने के बाद लोगों की स्थिति क्या होगी, लोग निराश हो गए होंगे, डर गए होंगे, भगवान के आश्रित हो गए होंगे, तो ये समाज जो प्रवृत्तियां है वो छायावाद युग की कवियों में देखने के लिए मिलता है। एक चीज है कि कोई भी साहित्यकार हो, जो भी वो लिखता है, जो भी साहित्य, साहित्यकार चाहे वो गद्य साहित्य लिखे चाहे वो पद्य साहित्य लिखे, लेकिन वो साहित्य में उसी को दिखाता है जो समाज में दिखता है उसको, जिस सत्य को वो जीता है, जिस सत्य को वो भोगता है, या जिस सत्य का के साथ वो रूबरू होता है, जो सामाजिक परिस्थिति, समकालीन परिस्थिति होती है, उसी को ही उसमें वो रखता है। छायावाद, लोग कहते हैं छायावाद युग के कवि जो है पलायनवादी कवि है, पलायनवादिता देखा जाता है उनके कविताओं में, तो ये परिस्थिति के अनुसार भी हुआ है कि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, उस समय का समाज ऐसा था, तो निश्चित रूप से समाज का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि आजकल का जो समाज है, हम लोग डर के मारे घर में बैठे हुए, हम इतने भीरू और कायर तो नहीं कि डर के मारे बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमको घर में बैठना पड़ता है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो वो वायरस कोरोना का वो घूम रहा है, हाँ, तो दौड़ दौड़ के हमको अटैक करेगा, इसीलिए जिंदगी बचानी है, जान बचानी है, घर में रहो, और घर में जैसे कि ऑनलाइन
पाठ्यक्रम है कि आपको सारी सुविधाएं जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी दी जाती है। थोड़ा बहुत, पूरा पूरा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है इससे तो प्राप्त हो सकती है। तो छायावाद युग में हम देखते हैं निराशा और प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण जो जो है उसको हम उस कविताओं में देखते हैं। उसके बाद जो है प्रगतिवादी, प्रगतिवादी मतलब प्रगति का अर्थ क्या है, आगे बढ़ना, डेवलप होना, प्रोसेस मतलब थोड़ा सा प्रोसीड करना। ये प्रगतिवाद कविता में हम देखते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव इसमें मिलता है। देखिए ये भी एक है कि उस समय रूस में जो मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स जो आए थे उस समय, उनका जो प्रचार प्रसार हुआ था, मार्क्सवाद का प्रचार हुआ था, तो उससे हमारे हिंदी जगत के कवि भी प्रभावित हुए थे। हम कहेंगे कि कहीं पर कुछ हो जाता है, हम लोग क्यों प्रभावित रहेंगे, हिंदी भाषी लोग क्यों प्रभावित रहेंगे, हिंदी साहित्य क्यों प्रभावित रहे। तो चाइना में तो वायरस था, फिर हम लोग प्रभावित कैसे हुए, थोड़े दिन के बाद यहाँ तक पहुंचा। उसी प्रकार से कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है तो निश्चित रूप से, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, कहीं ना कहीं समय की अवधि थोड़ी बहुत आगे पीछे ये हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हम प्रभावित रहेंगे। तो रूस में जो हुआ, विप्लव हुआ, कार्ल मार्क्स आए, उसमें जो सुधार हुआ, उसमें जो किस प्रकार से लोगों में हलचल हुई या जैसे परिवर्तन हुआ, थोड़े बहुत हिंदीवादी कवि भी उसमें प्रभावित हुए, जिसका प्रभाव प्रगतिवादी युग में हम देखते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। और इसमें दो वर्ग आते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग मतलब जो शोषण करता है, शोषण किसका होता है, जो शोषित वर्ग होता है, जिसका शोषण होता है। तो कौन यहाँ पर खून चूसता है और किसका खून चूसा जाता है, तो निश्चित रूप से जो साधारण वर्ग होता है, पूरा निम्न वर्ग होता है, उसका खून चूसा जाता है। किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, तो उसका शोषण किया जाता है। कौन करता है, पूंजीवादी सभ्यता करता है, या जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनका वो शोषण होता है। तो इसको प्रगतिवाद युग में ये विचारधारा का प्रयोग, जो विचारधारा को हमें देखने के लिए विचारधारा मिलेगी। इसके बाद है प्रयोगवाद। अज्ञा के द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से ही ये प्रयोगवाद का प्रारंभ। था कि जो कि प्रयोगवाद युग में हुआ है, लेकिन प्रयोगवाद युग में भाषा उपमानों का, शिल्प का नए रूप से प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग, जिस प्रकार का प्रयोग पहले युग से नहीं हुआ था, पहले युगों में नहीं हुआ था। शिल्प के दृष्टि से भी नए प्रयोग हुए हैं। फिर उसके बाद है नई कविता। नई कविता मतलब नयापन, उसमें और थोड़ा नयापन, मतलब यहाँ तक प्रगतिवाद प्रयोगवाद में भी नए प्रयोग हुए हैं, लेकिन नई कविता मतलब और थोड़ा नयापन, और थोड़ा चमकाने की कोशिश। तो नवीनता और बौद्धिकता, वैयक्तिकता, क्षणवादिता, भोग एवं वासना, यथार्थवाद, ये सारे जो, जैसे कि कुछ ही समय पहले मैंने कहा कि समाज जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे जो है कविताओं की दृष्टि, कवियों की दृष्टिकोण भी बदल जाता है। पहले हम लोग कहानी पढ़ते थे, एक कहानी न कहानी कहाँ पढ़ते थे, मतलब सुनने के लिए मिलता था, नानी दादी आदि कहानियां सुनाते थे, उड़न खटोले वाले कहानी, वो झूला झूलने वाली, भूत प्रेत की कहानी, राजा रानी की कहानी। लेकिन आज किसी को, आप आजकल के बच्चों को राजा रानी की कहानी सुनाओगे तो वो विश्वास करेगा भूत प्रेत की, आप पर हंसेगा, कोई भूत प्रेत नहीं है, आप हमको ऐसे बुद्धू बना रहे हैं, आजकल की दुनिया में भूत प्रेत कहाँ है। तो आजकल जो है, जो मॉडर्न है, जो टेक्निकली जो चीजें हैं, आप उसको कहानी रूप में बताते हैं तो बच्चा सुनता है। तो आजकल कहानी पढ़ने के लिए भी किसी के पास समय नहीं है, सुनने के लिए भी समय नहीं है। पहले क्या था कि 14 15 पेज, 16 पेज, 18 पेज, 20 पेज की कहानियां थी, आजकल कौन पढ़ता है इतना। तो दो पेज की कहानी हो, शॉर्ट शॉर्ट आप लोग देखे होंगे पेपर में भी,
छोटा मतलब छोटी छोटी कहानी एकदम शॉर्ट शॉर्ट 1 2 3 करके ऐसे कहानियां निकलती है और आदमी 5 मिनट में 10 मिनट में बस में जाते समय ट्रेन में जाते समय उन कहानियों को आराम से पढ़ लेता है। एक मतलब आते जाते सफर में भी एक कहानी की पुस्तक खत्म। पब्लिशर के लिए भी अच्छा है, राइटर के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। तो ये लोगों की डिमांड के अनुसार समाज को दृष्टि में रखकर जैसे कि बदलता है उसी प्रकार के नई कविता। पहले तो हम लोग रोटी पराठा खाते थे, आजकल के बच्चे तो पेटिस और पिज्जा से ही नहीं खाएंगे तो काम नहीं चलता है। तो ये टेस्ट के अनुसार जैसे बनता है और उसकी उसी प्रकार से नई कविता में हम कुछ नयापन देखते हैं। और फिर नवगीत एवं समकालीन कविता, नवगीत और थोड़ा नया नया गीत। गीत मतलब गीत प्रकार के, मतलब पहले छंदबद्ध रचनाएं नहीं होती थी, अब धीरे धीरे छंदबद्ध रचनाएं होने लगी, गीतों में होने लगी। और समकालीन कविता मतलब आज की समाज को दृष्टि में रखकर नवगीत के माध्यम से वर्तमान जो विसंगति है, समाज में जो विसंगति है उसका चित्रण जो है हुआ है। और लोक जीवन की अभिव्यक्ति भी हुई है, जन भाषा का प्रयोग हुआ है, जीवन के उतार चढ़ाव को भी हम देखने के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे जो प्रवृत्तियां हैं ये नवगीत एवं समकालीन कविताओं में देखने के लिए मिलता है। तो ये है आधुनिक हिंदी काव्य की, जो हम लोग काव्य की जो भाग मतलब काव्य को जितनी प्रकार में बांटे हैं हमने, तो ये जो है इनकी थोड़ा बहुत जो मतलब प्रवृत्तियां हैं ये मैंने आपको बताया। अब आप हम आते हैं मुख्य जो कविता है उसके ऊपर आते हैं। निराला जी की कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका पूरा नाम है, उनकी कविता है भिक्षु। और निराला जी प्रगतिवादी विचारधारा के कवि है, प्रगतिवादी युग में आते हैं। इसमें क्या हुआ है कि समकालीन समस्याओं का चित्रण हुआ है। देखिए निराला की जो जितनी सारी कविता है, निराला यूं कहा जाता है कि वो सचमुच निराले थे, अलग थे। तो ये जो मतलब निराले निरालापन उनकी व्यक्तित्व में, उनके व्यक्तित्व में भी हमको देखने के लिए मिलता है और उनकी कविताओं में भी। जैसे ही व्यक्तिगत जीवन में जैसे जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है, जिस प्रकार से कठोरता का इन्होंने सामना किया है, उसी प्रकार की संघर्ष को, उसी प्रकार की कठोरता को हम उनकी कविताओं में भी देखते हैं। और सामाजिकता का वर्णन, समकालीन समस्या का चित्रण जो हुआ है, यथार्थवाद का चित्रण हुआ है, समाज का जो रूपरेख है उसका चित्रण हुआ है। और ये प्रगतिवादी विचारधारा की कविता है भिक्षुक। और निश्चित रूप से उस प्रगतिवादी विचारधारा की जो बातें हैं, जो कि शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, समाज में किस प्रकार से निम्न वर्ग को निम्न वर्ग पीसा जा रहा था, उसका शोषण हो रहा था, उसका एकदम खुली खुली तस्वीर जो है हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और ये प्रगतिवाद जो है स्वाधीनता आंदोलन की ही उपज है हम कह सकते हैं। और यहाँ पर किसान मजदूरों के दर्द का चित्रण हुआ। ये भिक्षु कविता जो है एक भिखारी का वर्णन हुआ है। भिक्षा जो भिक्षुक वृत्ति करता है, एक भिक्षुक है रास्ते में जा रहा है और उसका जो दर्द है उसको उन्होंने इस कविता में दिखाया है। भिक्षुक जो समाज में भिक्षुक को हम किस प्रकार की दृष्टि से देखते हैं, एकदम नीच दृष्टि से देखते हैं। कोई सामने से गुजरता है, अगर कोई हाथ फैलाकर मांगता है तो कुछ लोग हैं हम दया करके दे देते हैं, और कुछ लोग हैं अरे ऐसे नहीं नहीं चलो चलो जाओ भागो। और कुछ तो मतलब इस प्रकार से उसके साथ बर्ताव करते हैं जो कि देखने के लायक भी नहीं है। तो ये जो भिक्षुक है, आजकल तो देखिए ठगने के लिए भी होता है, लोग झूठ बोल के भी भिक्षा मांग लेते हैं। झूठ बोल के भी मेरा घर दूर है, बस फेल हो गया हूँ, मेरा पर्स चोरी हो गया है, ऐसा कह के भी बच्चों को लेके सामने 2 3 लोगों को लेकर ले आते हैं, ये मेरी बीबी है और ये बच्चा है, हम लोग खो गए हैं, पैसा नहीं है लेकिन इनके पास इतना सारा पैसा होगा, ऐसा बोल बोल के काफी सारे लोगों से भी वो पैसा जो है ऐंठ लिए होंगे। लेकिन जो सचमुच के भिक्षुक हैं, जो कि दयनीय स्थिति में रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, समाज में जो कि एकदम दयनीय स्थिति में रहते हैं, लोगों की नजर उन पर मतलब लोगों की दृष्टि से एकदम हीन दृष्टि से लोग उनको देखते हैं, ऐसे भिक्षुकों का वो भिक्षुक जो है रास्ते पर जा रहे हैं, इनके दर्द इनका दर्द क्या है, उनकी जो उस समय की अवस्था क्या है उसका चित्रण जो है वो करते हैं। कविता है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रही हूं। वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। वो आता है कैसे आता है,
दो टुक कलेजे के करता, मतलब अपने कलेजे को निकाल के रख देता है, कलेजे को निकाल के रख देता है मतलब दो टुक कर लेता है, दो इस मतलब दर्द को जैसे कि दिखाता है कि किस प्रकार से मैं दयनीय स्थिति में हूं। दो टुक कलेजे के करता, पश्चाताप, पश्चाताप हो रहा है, उसको भी बुरा लग रहा है ना, भिखारी है तो इसका कोई आत्मसम्मान नहीं है, ऐसा नहीं, तो उसको भी बुरा लगता है कि किसी के पास में, किसी के सामने हाथ फैला, लेकिन मजबूर है, क्या करेगा। हाँ, कुछ नहीं है खाने के लिए, क्या करेगा, जब पेट में भूख मतलब बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो आदमी क्या करेगा, जो मिलेगा वो खाएगा, ये नहीं सोचेगा कि पिज्जा नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा, चिकन बर्गर नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। पेट में भूख रहेगी मतलब आप बॉयल वाला चीज दे दो, जो भी दे दो भाई, जो भी दे दो खाना ही दे दो, खाना है मुझे, है ना। तो इसीलिए वो पश्चाताप कर रहा है, उसको भी अपनी स्थिति पर जो है बहुत मतलब दुख हो रहा है, पश्चाताप, वो पश्चाताप कर रहा है, पछता रहा है, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है, पेट पीठ जैसे कि दोनों एक हो गया है, एक हो जाना मतलब पूरा मतलब उसके शारीरिक रूप का वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार का मतलब उसका शरीर में कि वो मतलब कैसे रुग्ण शरीर है, दुबला पतला शरीर है, पेट पीठ एक हो गया है, बिना खाए पिए उसके मतलब हड्डियां जैसे दिख रहा है, पेट पीठ दोनों मिलकर है, एक चल रहा लकुटिया टेक, और एक लकड़ी के सहारे जो चल रहा है। एक बात है कि निराला जी ने बहुत अच्छे तरह से शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, दो टुक कलेजे के करता मतलब वो आता अपने दर्द को दिखाता, मतलब वही बात है, लेकिन शब्दों का प्रयोग देखिए कि दो टुक कलेजे के करता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक। वो चाहते तो डंडे का प्रयोग भी कर सकते थे कि डंडा, लेकिन डंडा शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग होना, हालांकि वही मतलब अर्थ वही है कि कोई लकड़ी के सहारे वो जा रहा है, लेकिन डंडा का प्रयोग क्यों नहीं किया, डंडा तो झगड़ा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते। लकुटिया मतलब शब्द भी बहुत मायने रखते हैं भावनाओं को दिखाने के लिए। तो एक एकमात्र जो एक लकड़ी है उसको पकड़ के जो है वो चल रहा है। लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, किस लिए चल रहा है, किस लिए वो पश्चाताप कर रहा है, किस लिए रोड पर वो आता है, रास्ते पर आता है, कि अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, मुट्ठी भर दाना पाने के लिए, मुट्ठी भर दाना, मुट्ठी भर अनाज, थोड़ा सा पेट में चले जाए, थोड़ा सा भूख जो है मतलब भूख जो है थोड़ी सी मिट जाए, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, चेहरा भी फटा पुराना और झोली भी फटा पुराना, चेहरा फटा पुराना मतलब चेहरा सूख गया है, मतलब बिना खाए पिए जो है रुग्ण हो गया है चेहरा, और झोली भी फैला रहा है, दो टुक कलेजे के करता और पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी है, साथ दो बच्चे, दोनों को साथ में भी लेकर आता है, दोनों मतलब दो बच्चे हैं तो दोनों को भी साथ में लेकर आता है, और वो बच्चे भी सदा हाथ फैलाए, वो भी अपने मतलब पेट भरने के लिए हाथ फैलाते हैं, मजबूर है, क्या करे, मतलब पूरा परिवार जो है खाने की अन्वेषण में या भूख मिटाने के लिए जो है हाथ फैला रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाते। देखिए, एक तो है कि दो हाथों को भी बढ़ा सकते हैं, दीजिए साहब, बाबू साहब जो है, लेकिन एक में जो पेट को वो मल रहे हैं मतलब स्थिति को दिखा रहे हैं, मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि समाज में लोग ऐसे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं ऐसे हैं कि उनको देखने से भी कुछ दिखता नहीं, आंख खुली रहती है लेकिन वो कुछ देख नहीं पाते हैं, तो उनको दिखाने के लिए जताना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए मुझे भूख है, मैं भिखारी हूं, मैं मांग रहा हूं, मुझे, मैं दर्द में हूं, मेरे ऊपर दया कीजिए। तो एक बाएं हाथ में पेट को मलते हुए सदा दाया हाथ वो फैलाते हैं, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। सीधा सीधा लेख कवि यहाँ पर लिख सकते थे, खाना पाने के लिए, खाद्य पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, उन्होंने कहा ये पैसा नहीं है, ये क्या है, खाना नहीं है देने के लिए, भाई बाबूजी खाना दीजिए, दया दृष्टि, थोड़ी सी रहम कीजिए, दया दृष्टि दीजिए, सहानुभूति दीजिए, हम नीच वर्ग है, हम स्थिति में है लेकिन हम समाज से दूर नहीं है, हम भी इंसान है और हम जीने के लिए ही यहाँ पर जूझ रहे हैं, ठीक है। तो
दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सुख होंठ जब जाते, भूख के भूख से होंठ सुख जाते हैं, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ, एक तो दाता फिर भाग्य विधाता। दाता मतलब दान करने वाला जो देता है, भाग्य विधाता भाग्य का निर्माण करने वाला, भाग्य का विधान करने वाला। तो इनका भाग्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? पेट के साथ जुड़ा हुआ है। पेट की भूख मिट जाए तो वही मतलब जिंदा रहेंगे तो और कुछ, उनको सोना चांदी हीरे जवाहरात गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब नहीं चाहिए, बस दो दाना जो है चाहिए जो कि पेट के पेट में जाए और वो जिंदा रहे। तो दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर। सामाजिक विडंबना का, समाज का विडंबना का यहाँ पर वर्णन हुआ है कि भाग्य विधाता दाता से क्या इनको मिलता है, कुछ नहीं मिलता है बल्कि दो घूंट आंसू पीकर रह जाते हैं, आंसू की बूंदों को पीकर रह जाते हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि किसी की भी दया दृष्टि जो है इन पर नहीं जाती है, कोई भी इन पर दया दृष्टि, सब मुंह फेर कर चले जाते हैं। कोई भिखारी मांगता है तो थोड़े ना सब लोग देते, कुछ लोग देते हैं और कुछ लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग कुछ रिएक्शन भी नहीं देते हैं। चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, फिर कहाँ से खाना खाएंगे। पेट की भूख तो भूख को तो मिटानी है तो वो क्या करेंगे। चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर, इतनी नौबत आ जाती है भूख मिटाने के लिए कि सड़क पर खड़े हुए झूठे पत्तल को भी वो चाट लेते हैं। भूख भूख इतनी जोर तेजी हो रही है, कभी कभार लोग इधर उधर उठा के खाते हैं तो हम लोग बड़े बड़े सब हम लोग साहब लोग गाड़ी घोड़ा में जाते हैं, सूट बूट पहन कर जाते हैं, देखते अरे देखो क्या पागल आदमी सड़क पर उठा के खा रहा है। लेकिन उसकी पेट की भूख, पेट की ज्वाला, पेट की दर्द को क्या हम उस भावना को समझते हैं? हम लोग सभ्य है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब हमको बहुत जोरों की भूख लगती है तो क्या होता है, हम डिब्बा अब जो सामान है घर में सब ढूंढ लेते हैं क्या है खाने के लिए। उसी प्रकार से वो भी भूख पे है, दर्द में, लेकिन उस दर्द को हम समझ नहीं पाते हैं। तो वही दशा जो है भिक्षु की है कि चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को, और भाग्य की विडंबना और भी इतनी मतलब निम्न स्तर पर चली जाती है कि उनसे ये भी सहा नहीं जाता कि झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए, कुत्ते भी देख रहे हैं कि उनसे झपट कर ले लिया जाए। मतलब शोषित वर्ग जो है किस प्रकार से उसका शोषण हो रहा है कि कोई भी उसको कमजोर देखता है कि सब लोग उसका शोषण करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, तो कुत्ते भी उनसे झपट लेने के लिए भी तैयार होते हैं। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। लेकिन कवि जो है सामाजिक प्राणी है, कवि एक संवेदनशील व्यक्ति है, निराला जी के मन में भिक्षु के प्रति संवेदना है, मानवीय संवेदना है, तो उनके मन में आता है इस चीज को देखकर, इस दृश्य को देखकर कि मैं तुम्हारे मेरे हृदय में अमृत है, ठहरो ठहरो मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच दूंगा। उनका मन कर रहा है कि ये जो चक्रव्यूह में फंस गया है अभिमन्यु जैसा, जो वो लड़ नहीं पा रहा है, उसके अंदर लड़ने की जो है शक्ति नहीं, अभिमन्यु तो लड़के भी मरा था, तो ये उसके अंदर ये भी भावना है, कितना निराश हो गया है, तो इसके प्रति इसकी संवेदना, कवि की संवेदना है कि तुम्हारे हृदय में जो दुख है, जितने विडंबना है, जो दर्द में हो, मैं अपनी ओर खींच लूंगा, और मेरे अंदर जितना सारा अमृत है मैं तुम्हारे ऊपर जो है उसको सींच दूंगा। ये जो है कवि की संवेदना है भिक्षुक वर्ग के प्रति, एक शोषित वर्ग के प्रति, सामाजिक विडंबना का सामना जो है जो भिक्षुक कर रहा है, हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर रहे हैं, दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं कि हमको इनके प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, मानवीय भावना जो है हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो ये भिक्षुक कविता है। तो तुरंत इसका सवाल आप करेंगे या पूरा पूरा डिस्कशन होने के बाद? मैम पूरा डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स लोग कंटिन्यू क्वेश्चंस वगैरह रखते हैं, ठीक है? मतलब हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर को जाएंगे। जी जी मैम, फिर उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चन लेंगे। ये 12 बजे तक है कि 12:30 या 12:15? मतलब आपका लेक्चर ऐसे टाइम पे 11 से 12:30 है, आपका लेक्चर कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, नहीं और आधे घंटे में भी वैसे खत्म हो जाएगा जी, तो आधे घंटे क्वेश्चंस आंसर सेशन रखेंगे।
हाँ ठीक, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले सकती हूँ, जी 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 मैम, पानी थोड़ा पी के आती हूँ। बिल्कुल 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 आइए। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे, आप आपके वहां पे चैट बॉक्स दिख रहा होगा, इस गूगल मीट चैट के साइड में चैट बॉक्स है, आप अपने प्रश्न वहां पे लिख करके पूछ सकते हैं। अगर लिखने में आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही होगी तो इस लेक्चर, इस कक्षा के उपरांत आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके भी अपने प्रश्न रख सकते हैं। तब तक अपने माइक को अनम्यूट रखिएगा और कृपया करके अपने स्क्रीन को शेयर मत कीजिएगा, इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और आपको भी डिस्टरबेंस होगा और जो रिसोर्स पर्सन है उन्हें भी डिस्टरबेंस होगा। तो इसलिए जो भी आपको प्रश्न अब तक के कक्षा में, जहां मैंने मैडम ने पहली कविता कंप्लीट की भिक्षु, उससे रिलेटेड जो भी, उससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न है, आप एक चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके पूछ सकते हैं। एक बार मैम का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके प्रश्न में मैम के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और मैम से हम उस पर उत्तर लेंगे। नेक्स्ट है हिरोशिमा, ये कविता है सच्चिदानंद हीरानंद वाशान अज्ञेय जी की कविता है हिरोशिमा। अज्ञेय जी प्रयोगवाद युग में आते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको, ये प्रयोगवाद जो है भाषा और उपमान की दृष्टि से इसमें नए नए प्रयोग हुए हैं और शिल्प की दृष्टि से भी नए प्रयोग हुए हैं। पर ये जो कविता है हिरोशिमा, ये आपको पता है इसके पीछे की जो कहानी है, सबको पता है ये कहानी कि एक शहर है जापान की, एक शहर जिसमें कि अमेरिका ने बम विस्फोट किया हुआ था और उसके बाद की जो स्थिति है सबको पता है कि आज तक भी वहां पर विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं और आज तक भी उनकी स्थिति जो है परिवेश की दृष्टि से हम देखें तो स्थिति जो है बिल्कुल बहुत ही खराब है और बिल्कुल अब तक भी पूरी तरह से सुधरी नहीं है। तो ये एक शिक्षा है हम लोगों के लिए कि विज्ञान के माध्यम से हम लोग बहुत ही घमंड करते हैं अपने आप पर कि हमने विज्ञान को अपने हाथों में रख लिया है, जो चाहे हम बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम भगवान से भी बहुत ऊपर हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज की स्थिति को भी अगर हम देखें कि आज जैसे कि हुआ है ये जो स्थिति है कोरोना के कारण हम लोग 1-1.5 महीने से घर में कैद होके बैठे हुए हैं, बंद होके बैठे हुए हैं, क्या ये हमें सूचित नहीं करता कि मानव तो कितना कमजोर है, तो कितना डरा हुआ है? अगर हम इतने महान होते, हम इतने विद्वान होते विज्ञान के माध्यम से, तो आज तक हमने इसका जो है निराकरण क्यों नहीं कर पाए? हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं हम उसके साथ हम लड़ लेंगे, हम बाहर निकलेंगे घूमेंगे और कोरोना हमारा कुछ करेगा नहीं? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसा है जो हद से ज्यादा हो जाए तो इसका जो है पूरा असर पड़ता है। जैसे कि विज्ञान है, जैसे कि बच्चों को हम मोबाइल देते हैं खेलने के लिए, या मोबाइल से हमको तो बहुत कुछ मिल सकता है इंटरनेट से, लेकिन उसका गलत प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है। उसको हाथ में रखते हैं तो गर्म होता है, या उससे जो जितने रेडियस मतलब बुरे प्रकार की जो चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर जाता है तो भी उसकी बुराई होती है। तो हद से ज्यादा जो भी हो जाता है वो बहुत बुरा होता है, चाहे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार भी क्यों ना हो, बच्चों के लाड़ प्यार बहुत ज्यादा दी जाती है तो वो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मतलब शासन भी चाहिए और थोड़ी सी लाड प्यार भी चाहिए। उसी प्रकार से विज्ञान का इस्तेमाल हम उतना कर सकते हैं जितना हमारे लिए जो है जरूरी है, और उससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो क्या होगा? उससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार की स्थिति होगी। अमेरिका के पास विज्ञान का बहुत कुछ था, उसने सोचा हुआ था कि वरदान हमें मिला है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन देखो ये हो गया। तो ये जो स्थिति है
कवि के कवि का मन जो है बहुत व्यथित हो गया। वही बात है जो कि अगर हम कहेंगे जापान में ये बात हो गई तो हमारे यहाँ क्यों ऐसा है, अज्ञेय जी को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि अज्ञेय भी एक व्यक्ति है, कवि होने से पहले वो एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति होने के नाते समाज में चाहे जो भी कुछ हो जाए, उनकी जो मानवीय संवेदना है वो निश्चित रूप से समाज के प्रति है, और वही वो साहित्य में साहित्यकार रखता है, जो उसका अनुभव हो, जो उसके हृदय से वो अनुभव करता है, या जो जो बातें उसको अच्छी लगती है या जो बातें उसको प्रभावित करता है, उसी को ही वो साहित्य में रखता है। तो ये कविता उसी के ऊपर आधारित है। हिरोशिमा की वो कहानी है, जिस दिन हिरोशिमा में ये बम विस्फोट हुआ था और उसके बाद की स्थिति क्या हुई थी, उसके बाद लोगों की दशा क्या हुई थी, उसके बाद परिवेश का दृश्य कैसा हुआ था, इस सब का वर्णन जो है अज्ञेय जी करते हैं। अज्ञेय जी का मन इस दृश्य से बहुत ही व्यथित हो गया और इसीलिए उन्होंने एक कविता हिरोशिमा लिखी कि इसके माध्यम से लोगों को ये चेतावनी दी जाए, लोगों को ये संदेश दी जाए कि विज्ञान का इस्तेमाल हम उतना तक करेंगे जितना तक हमारा मंगल हो सके, जितना तक वो हमें सहायता कर सके उतना तक ही हमको विज्ञान का हो या कोई भी सामान हो, जिससे कि बहुत से ज्यादा जो है सीमा से ज्यादा जो है हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें कि हमारी हानि हो। हिरोशिमा कविता में देखिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा अचानक, अब सूरज तो अचानक नहीं निकलता है, हालांकि हम लोग सूर्योदय को देख नहीं पाते हैं, कुछ लोग, मैं तो फिलहाल रोज जो है सुबह उठ जाती हूँ, कुछ लोग का सूरज 8 बजे 9 बजे वो निकलता है, मतलब सोते रहते हैं 9 बजे आंखें खुलती है, 10 बजे 12 बजे भी किन किन लोगों का खुलता है, आजकल रात में लोग बिजी हो गए हैं और दिन में लोग सोते हैं, उल्टा हो गया है ना, मतलब हम रात तो सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए है, लेकिन लोग उल्टा कर देते हैं, रात को काम करते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, तो इसीलिए तो ये स्थिति, बुरी स्थिति समाज की हो गई है आजकल। तो एक दिन सहसा अचानक सूरज निकला, कहाँ पर सूरज तो आसमान पर निकलता है, क्षितिज पर निकलता है, फिर अचानक कैसे, अचानक से सूरज नहीं आता है, पर सूरज उस दिन एक दिन सहसा अचानक निकला, क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर, शहर के बीचों बीच, नगर के बीचों बीच अमेरिका ने बम विस्फोट किया, तो नगर के बीचों बीच बीच में ही विस्फोट किया, और धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, सूरज की रोशनी पड़ती है, धूप बरसती है, और यहाँ पर भी एक दिन का जो सूरज निकला था, एक दिन अचानक जो सूरज निकला था क्षितिज पर, वहां पर भी क्या हुआ कि अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, वहां से जो है आग बरसने लगी, वहां से जो है धूप बरसने लगी, छाए मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी वह सूरज, मनुष्य की जो छायाएं थी वो चारों ओर पड़ी, मतलब मनुष्य के चित्रे वित्रे सब उड़ गए, बम का धमाका हुआ, लोग इधर उधर जो है लोगों की मौत हुई, इधर उधर जो है लोग उसकी लोगों का शरीर जो है पड़ने लगा, सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा, बीचो बीच नगर के, बीचो बीच शहर के, नगर के बीचो बीच वह सूरज जो उगा था, उसकी रोशनी चारों ओर पड़ी, उसकी आग की लपेट में पूरा शहर जो है आ गया, काल सूर्य के रथ के पहियों के जीव अरे टूटकर बिखर गए हो दशों दिशा। इस प्रकार से उसकी जो बम विस्फोट जो हुआ था, उसकी जो आग है, उसकी जो धूप है, उसकी जो क्या कहते हैं, जो लोग की लोगों की जो मौत हुई या लोग जो इधर उधर जो है पड़ने लगे, उनका शरीर जो है पड़ने लगा बम के विस्फोट से, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, चित्रे जो इधर उधर पड़ने लगे, जैसे कि काल सूर्य के रथ के पहिए जैसे टूटकर इधर उधर बिखर गया, ऐसा लगा कि काल रूपक सूर्य का रथ जो आया हुआ था लोगों को मौत देने के लिए, तो उसके रथ जैसे कि टूट जो है उसके पहिए जो है टूटकर इधर उधर बिखर कर पड़े गए हो दशों दिशा में। कुछ क्षण का वो उदय अस्त था,
कुछ क्षण का मतलब सूरज तो उदय होता है सुबह और शाम को अस्त होता है, लेकिन वो जो सूरज वो एक दिन के लिए जो निकला था, अचानक जो निकला था अंतरिक्ष में आकाश में, जो सहसा निकला हुआ था, वह कुछ क्षण का उदय अस्त था, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, केवल एक प्रज्वलित, एक आग बरसने लगी, एक प्रकार का जो है प्रज्वलित क्षण, मतलब जैसे कि अचानक से कुछ जोरों की आग कहीं पर लगती है तो क्या होता है, मतलब बहुत जोरों से जो है कुछ ज्वालाएं जो है निकलती है, तो बहुत जोरों की होती है, तेज होती है, तो वो कुछ क्षणों का उदय अस्त था, लेकिन कुछ क्षण में ही बहुत कुछ हो गया, कुछ पल में ही बहुत कुछ टूट के बिखर गया, कुछ पल में ही सब कुछ तहस नहस हो गया, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, हृदय सोख लेने वाली दोपहरी, फिर हृदय को सोख लेने वाली ऐसी दोपहरी थी, इस प्रकार की आग थी जैसे सब कुछ उसमें जलकर राख हो गया हो, सब कुछ उसमें जो है नष्ट भ्रष्ट हो गया हो। फिर क्या हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क कवि ने दिया इधर, फिर क्या हुआ, मन में सवाल आया, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी, लंबी हो कर मानव ही सब भाप हो गए। तो मनुष्य की जो छायाएं थी वो लंबी होकर, मतलब चित्र इधर उधर इधर उधर लंबे होकर इधर उधर चारों दिशाओं में फैल कर जो है पड़ रही थी, तो वो लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, ऐसा लगा कि मानव मनुष्य जो है उसमें से भाप हो गए, उसमें से सब जो है जलकर राख हो गए, जैसे कि वो आग जो बरसी हुई थी, जो आग लगी हुई थी, वो सब जलकर जो है राख हो गया, उसकी वो सारे जो है भाप बनकर जैसे मनुष्य सब उड़ गए। छाया अभी तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थर पर। एक हादसा जब होता है, हादसा होने के बाद उसके जो रिएक्शन होते हैं, उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, कि वो प्रतिक्रियाएं बाद में होता है ना, वो साइड इफेक्ट होता है, साइंस के साइड इफेक्ट, ना तो बम धमाके के साइड इफेक्ट जो है वो बाद में हुआ, आज तक हो रहा है। तो छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थर पर, वो जो झुलसा हुआ पत्थर आज भी मौजूद है इस पर, उस इतिहास की कहानी लिखी हुई है, उस दर्द भरी कहानी लिखी हुई है कि जो उस दिन हुआ था हिरोशिमा शहर में, जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिका ने जब उस पर बम धमाका किया था, उसकी कहानी, उसकी दर्द भरी कहानी, विज्ञान की तहस नहस होने वाली कहानी आज भी लिखी हुई है उजड़ी सड़कों की गज पर, उजड़ी हुई सड़कों की फर्श पर आज भी वो दर्द भरी कहानी लिपिबद्ध हुई है। आज भी अगर उसको कोई पढ़ सकता है, उसको कोई देख सकता है, तो जान सकता है कि उस दिन क्या क्या सब हादसे हुई थी, कैसे किसी क्या किस प्रकार से लोग उस दौर से गुजरे थे, क्या हुआ था उस दिन, और किस प्रकार का जो दर्द जो है आज तक भी लोग झेल रहे हैं। ये क्या था, ये सूरज जो प्रकृति की नहीं थी, ये सूरज जो है प्रकृति का वो नहीं था, प्रकृति की देन नहीं थी, इस सूरज को मनुष्य ने बनाया। ये कोरोना वायरस जो आजकल हम लड़ रहे हैं, इसको किसने बनाया, मनुष्य ने ही बनाया, इसको किसी ने, मतलब ऐसा अचानक से हुआ नहीं, आकाश आसमान से वृष्टि नहीं हुई है, इसको मनुष्य ने बनाया और आज हम लोग झेल रहे, पूरा विश्व झेल रहा है। तो कोई एक इंसान ने तो बनाया होगा ना, कोई साइंटिस्ट कोई वैज्ञानिक इसको 3-4 वायरस को मिलाकर इसको बनाया होगा ना, कितना सख्त वो बनेगा। हाँ, इसका कारण चाहे जो भी हो, जिसने बनाया हो वो अलग बात है, लेकिन किसी इंसान ने तो बनाया होगा। तो ये मानव का रचा हुआ सूरज, इस सूरज को मानव ने ही बनाया था, मनुष्य ने बनाया था, विज्ञान के मानव माध्यम से बनाया था, बहुत ही उसको घमंड था अपने आप पर कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो ये मानव का रचा हुआ सूरज क्या हुआ, मानव को भाप बनाकर सोख गया। इंसान का बना हुआ सूरज जो है इंसान को ही भाप बना गया, उसने बता दिया कि तुमने जो बनाया तुमसे बहुत बेहतर मैं हूं और मैं तुमको जो है विनाश कर सकता हूं, है ना। तो मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, आज भी मनुष्य की साखी है, मनुष्य की ये जो
बातें हैं कि मनुष्य ने जो जिसको बनाया था उसी ने ही मनुष्य को भाप बनाकर रख दिया, उसी ने ही मनुष्य को तहस नहस कर दिया। तो इसके माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं, कवि अज्ञेय एक सामाजिक प्राणी है, कवि एक संवेदनशील व्यक्ति है, इन्होंने बताया कि ये जो बातें हैं ये सामाजिक रूप से लोगों को जानना चाहिए, कि लोग थोड़ा सा इस पर सतर्क रहे कि विज्ञान के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, विज्ञान के माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, विश्व के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो विज्ञान है, आज आप आपके घर में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, फिर भी हम लोग क्लास ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये विज्ञान है, ठीक है, ये हम लोगों की अच्छाई के लिए हो रही है, ये ठीक है। तो विज्ञान का इस्तेमाल भी हमको उतना तक करना चाहिए जितने में मनुष्य का मंगल हो, जितने में समाज का मंगल हो, जितने में विश्व का मंगल हो, और उससे ज्यादा अगर करेंगे, उससे ज्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे, जैसे बहुत ज्यादा शक्कर खाने से भी क्या होता है कि शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है, वेट भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए जितनी जरूरी है हर चीज का इस्तेमाल उतना हमको करना चाहिए। मनुष्य को सतर्क होना चाहिए कि विज्ञान को वो जैसे चाहे वो नचा नहीं सकता, थोड़ी थोड़ा बहुत वो कर सकता है इसका इस्तेमाल, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर कब्जा कर लेना, उस पर झंडे गाड़ देना, ये नहीं हो सकता। इसलिए जितनी जरूरी है, जितनी मात्रा में जरूरी है, उतनी मात्रा में हमको विज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि साहित्य, साहित्य में आप लोग काव्य शास्त्र भी पढ़े होंगे, उसमें लिखा गया है कि साहित्य क्या है कि जिसमें से समाज का मंगल हो। केवल मनोरंजन करना साहित्य का धर्म नहीं। तो अगर ये मनोरंजन होता, हिरोशिमा की कविता हम ऐसे गा गा के पढ़ लेते और आप सुन सुन के आनंद ले लेते, अच्छा होता। लेकिन इसमें कुछ जो बातें हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, जो कि समाज के लोगों को जानना चाहिए, नहीं जानेंगे तो कॉन्शस कैसे होंगे। तो जितना आप लोग जानेंगे, जितना आप लोग उस आपके अंदर कॉन्शसनेस आएगा, उतनी मात्रा में जो है समाज जो है बदलेगी। क्योंकि समाज क्या है, हम आप जैसे इंसानों को लेकर ही समाज बना हुआ है, समाज ऐसे अपने आप नहीं बना है, हम ही नहीं समाज को बनाया है, तो हम भी समाज के एक अटूट हिस्सा है। तो व्यक्ति जब एक अकेला व्यक्ति जब सुधरेगा तो वो अपने परिवार को सुधारेगा, फिर समाज को सुधारेगा, फिर देश अपने आप सुधर जाएगी या विश्व अपने आप भी सुधर जाएगा। तो इसीलिए हमको अपनी अपने स्तर पर रहकर ये सोचना है कि हमें विज्ञान का इस्तेमाल उतनी मात्रा में करना चाहिए जितनी मात्रा में हमारा मंगल हो। तो अगर हम उससे ज्यादा करेंगे तो ये जैसे नौबत हिरोशिमा की आई है हर एक शहर की, विश्व की ऐसी स्थिति आ सकती है। ये कवि का संदेश जो है पाठकों के लिए है और समाज के लिए है, ठीक है। और फिर अभी आपको अगर किसी को कुछ सवाल पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि विषय तो खत्म हो गया है, दो ही चैप्टर हमने लिया था। अभिषेक जी मैम, जी 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 मैम, विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहे हैं धीरे धीरे, और मैं जी विद्यार्थियों से निवेदन भी करूंगा कि इसके उपरांत भी जो उनके प्रश्न वो चैट बॉक्स के माध्यम से निरंतर लिखते हुए पूछते चले। पहला प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूँ मैम। एक विद्यार्थी पूछते हैं कि हीरो सीमा के हिसाब से विज्ञान अभिशाप है या वरदान? हिरोशिमा के हिसाब से मैं तो कहूंगी कि ये विज्ञान अभिशाप ही है। आप ही देख लीजिए, खुद ही इसकी समीक्षा कर लीजिए, तो क्या अभिशाप नहीं है? आज भी वहां पर विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज भी वहां पर चैन की सांसें लोग नहीं ले पा रहे। आज हम लोगों को देखिए, हम लोग आजकल जो परिस्थिति ऐसी हो गई, तो क्या ये विज्ञान का अभिशाप नहीं है? तो विज्ञान का अभिशाप भी है ना। अगर हम देखिए, कोई भी चीज है, जहर है, सांप का जहर है, सांप अगर किसको डस ले तो वो आदमी मर जाता है। अगर उसकी आयु ठीक है, भगवान का वरदान है, तो वो बच सकता है, अलग बात है। लेकिन उसके जहर को निकाल के उसको मेडिसिन में भी हम उस साइंटिस्ट भी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो सकता है वो वरदान के रूप में कर रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की कुछ बातें हैं, कुछ वायरस है, उसको मिला के, तीन चार वायरस को मिला के पूरे विश्व को बर्बाद करने के लिए अगर कोई कर गई तो अभिशाप ही होगा। तो बम ये जो है, इसको इंसान ने बनाया था कि किसी भी बात पर, जो कि हमें अगर कहीं पर जरूरत हो तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं कि हम किसको बर्बाद करने के लिए ये काम करेंगे। हम लोग बहुत ज्ञानी है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग मतलब हमारा नॉलेज है, हम ज्ञानी है, हम समीक्षा कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ज्ञान को अगर किसी को मारने के लिए लगाएंगे कि कैसे उसका उसको मारेंगे, कैसे उसकी टांगे तोड़ेंगे, ज्ञानी है हम, लगा सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये हमारे ज्ञान के एक नेगेटिव साइड है। हमको ज्ञान की पॉजिटिव साइड में जाना है कि अगर हम ज्ञानी है, हम कुछ जानते हैं, हम अगर पढ़े लिखे हैं तो अपनी शिक्षा को हम समाज के मंगल के लिए लगाए। ये नहीं है कि समाज का मंगल कैसे हो। ठीक है, कोई साइंस का विद्यार्थी है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत जीनियस है, तो वो अपने ज्ञान को क्या करेगा, लोगों के मंगल के लिए लगाएंगे ना। तो ऐसा नहीं कि कोई जहर निकाले और लोगों को खाने में दे दे और लोग सौ सौ लोग हजार हजार लोग मर जाए, ऐसा नहीं है ना। तो कोई हर एक के व्यक्ति के पास नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है, लेकिन हमको पॉजिटिव साइड में ही जाना है। जी मैम, निश्चित तौर पे इसी से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न अपने ओर से रखता हूँ, विद्यार्थियों को प्रश्न आएंगे तो मैं रखूंगा। जैसे मैम हम देखते हैं कि अज्ञा जी ने ये कविता लिखी हिरोशिमा, संदर्भ हम देखते हैं तो संदर्भ एक तरह से जापान में जो भी दुर्घटना घटी विश्व युद्ध के दौरान उससे जुड़ी संदर्भ है। हम ये भी जानते हैं कि अज्ञा जी एक बहुत ज्यादा उन्होंने यात्रा वृत्तांत वगैरह लिखे हैं या खुद भी बहुत ज्यादा यात्रा वगैरह करते थे, लेकिन वैसे नॉर्मल ही प्रश्न है उस समय के साहित्य को लेकर मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या उनका उस संदर्भ में, हिरोशिमा के संदर्भ में लिखना कि अपने रूप में कितना यथार्थ है, क्योंकि वो जिस दौर में थे जब हम देखते हैं उस दौर में भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे थे जिनके ऊपर बेहतर से लिखा जाता था या इस समाज को, भारतीय समाज को प्रभावित किया जाता था, तो एक दूसरे समाज की पृष्ठभूमि को उठा करके इस समाज के साहित्य में रखने के पीछे क्या प्रयास या क्या कारण रहे होंगे? मैंने ये कहा था, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आना चाहिए विद्यार्थी की ओर से भी, ऐसा प्रश्न आना चाहिए। मैं आशा करूंगी निश्चित रूप से कि ऐसे समीक्षात्मक प्रश्न आना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा केवल मात्र चैप्टर केंद्रित मतलब विषय केंद्रित बना होकर थोड़ा संदर्भ केंद्रित भी होना चाहिए। कि देखिए, मैंने आपको कहा था कि अज्ञेय जी कवि थे, कवि से पहले एक व्यक्ति है। तो कोई भी कहीं पर हादसा है, हम व्यक्ति है, हम इंसान है, हमारे अंदर भावनाएं हैं। क्या हमको गुस्सा नहीं आता है, क्या हमको प्रेम नहीं आता है, क्या हमको हमारे अंदर करुणा की भावना नहीं, किसी भी कोई प्राणी है, हम कहेंगे हम रोएंगे नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं रोएंगे। हाँ, कोई स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से आंखों से आंसू निकलेगी, हम हंसेंगे नहीं बिल्कुल, हम लोग मुंह पे ताला डाल के रखेंगे, हंसी मजाक हमको बिल्कुल पसंद नहीं, कैसा नहीं। अगर कोई आदमी हंसी मजाक हंसेगा नहीं तो कैसे होगा। तो सारी हाँ, थोड़ा बहुत भावनाएं किसमें ज्यादा है किसमें कम है ये अलग बात है, लेकिन हम इंसान जो है भावनाओं से बने हुए हैं और वो कवि होने से पहले एक व्यक्ति है। तो जैसे कि मैंने कहा, देखिए मार्क्सवाद कहाँ था, रूस में था, लेकिन उससे भी हमारे हिंदी साहित्य के कवि प्रभावित हुए, निराला और आपके मुक्तिबोध, ये बहुत सारे कवि ऐसे हैं उस समय में जो कि प्रभावित हुए हैं। और ये कवि अज्ञेय जो थे एक सामाजिक प्राणी थे, हर एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो निश्चित रूप से एक संवेदनशील कवि होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, कहीं पर कुछ हो जाता है तो व्यक्ति यहाँ पर प्रभावित होता है। एक चैप्टर है प्लस टू में है, MIL में है, साहित्य की देन, मनुष्य समाज को साहित्य की देन, ऐसा एक रिलेटेड चैप्टर है। उसमें भी लिखा गया है कि कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर एक साहित्यकार का मन प्रभावित होता है, क्योंकि हमारे मन में भावनाएं है, कहीं पर है वो छिपकर रहा है, हम उसको उठाएंगे। जैसे कि कोई नटखट बच्चा है, हम उसको क्या कहेंगे कि अगर उसको बार बार बोलेंगे तो नटखट बच्चा है, तो बहुत बदमाश है, तेरे से कुछ नहीं होगा, सचमुच उससे से कुछ नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो समझेगा नहीं, उसको दो थप्पड़ लगाएंगे, गाली देंगे तो क्या करेगा, उसका गुस्सा और बढ़ेगा और बोलेगा ठीक है मैं एक एक ग्लास तोड़ दिया ना, 10 ग्लास मैं तोड़ दूंगा, आप देखते हैं आप क्या करते हैं। लेकिन अगर उसका एक उल्टा दौर से हम उसके साथ एक उल्टा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अरे तू तो बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन थोड़ी सी बदमाशी तू क्यों करता है, तू देख तेरे अंदर ये बातें हैं, तू ऐसा कर सकता है वैसे, तो वो क्या करेगा, उसको अगर हम थोड़ा सा
अच्छे से कोमल स्पर्श देंगे तो उसके अंदर का जो बुरापन है वो धीरे धीरे जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या, मैं ऐसा बन सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से उसमें भी सुधार आएगा और वो अच्छा करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन उसको अच्छाई की बूस्ट चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा ना, एक नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, हम नेगेटिव को ही देखते हैं लेकिन हमको पॉजिटिव वे में जाना है। तो कवि अगे भी एक सामाजिक प्राणी, एक संवेदनशील व्यक्ति, एक व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मन प्रभावित होगा। और कहीं किसी साहित्य में क्यों ना, उनका मेन मुद्दा क्या है कि लोगों को ये सतर्क करना, देखिए कि हिरोशिमा में ये हुआ है, अगर हम सचेत नहीं होंगे, हम अगर विज्ञान का इस्तेमाल इस प्रकार से अपने जितनी जरूरत हो जरूरतों के अनुसार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान ही होगा। जैसे कि और एक कविता भी है, अभिनव मनुष्य है, शायद आप बच्चे भी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे। अभिनव मनुष्य में भी इसी बात को जो है दिखाया गया है कि विज्ञान का इस्तेमाल हमको उतना ही उतनी ही मात्रा में करनी चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। जी मैम, निश्चित तौर पर विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि उनके इस व्याख्यान से जुड़े जो भी उनके मन में प्रश्न और द्वंद हो वो निरंतर यहाँ पे पूछ सकते हैं। और एक विद्यार्थी का प्रश्न भी आया, मैम मैं आपके समक्ष रखता हूँ। पूछते हैं कि साहित्य और विज्ञान के संबंध किस प्रकार का है, मतलब एक वैज्ञानिक चीजों को साहित्य में स्थान दिया जाता है, तो उसी के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि साहित्य और विज्ञान का संबंध किस प्रकार का है। विज्ञान, देखिए विज्ञान जो है वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उस पर निर्भर करता है। विज्ञान को आप कहेंगे कि ऐसा है ऐसा है, भगवान इसमें है, तो वो शायद विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो विज्ञान में, मतलब ये कौन विज्ञान है, मतलब ये कौन विज्ञान में विश्वास करेगा कि हाँ इसको भगवान कहा जाता है। लेकिन भगवान क्या है, हमारे साहित्य में ये लिखा गया है, हम जिसको अनुभव करते हैं हमारे अंतःकरण में वो है जो कि हम अनुभव करते हैं, कुछ है। साइंस भी वही करता है ना, हर वस्तु का एक एग्जिस्टिंग पॉइंट है जिसमें से कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें से कि जो कि होता है फिजिक्स में जो कहा गया है या केमिकल रिएक्शन उसमें होते हैं, तो वही जो है वो पॉइंट है, वही भगवान है जिसको कि हम अनुभव करते हैं। तो विज्ञान अलग बात है, साहित्य अलग बात है। साहित्य में बहुत ज्यादा भावनाएं होती है और विज्ञान बहुत साइंटिफिक होती है जो कि अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके बाद होगा। और हृदय, साहित्य का संबंध हृदय से है और इसका संबंध जो है मस्तिष्क से, दोनों अलग बात है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है जिसका, जैसे कि हम लोग भी साहित्य में रिसर्च करते हैं, जो कि पीएचडी एमफिल में रिसर्च करते हैं, उसमें भी हम लोग अनुसंधान करते हैं, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और ये नहीं कि कोई साइंटिस्ट हो और वो हार्टलेस फेलो हो, ऐसा भी नहीं है। उनके पास पास भी हृदय है, उनका भी घर परिवार है, उनके अंदर भी वही भावनाएं हैं जो कि साहित्य में हम पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र में जो कि आपका रस में हम लोग पढ़ते हैं, जितनी सारी भावनाएं हैं उनके अंदर भी है क्योंकि वो इंसान है। जी मैम, निश्चित तौर पर इस पे नहीं, आपकी बातों में एक दो बात जोड़ना चाहूंगा। जो उन्होंने प्रश्न था, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि जब हम बात कहते हैं साहित्य और विज्ञान की, तो हम लोग हाँ विज्ञान एक एक विषय के तौर पर हम देखें तो वो परीक्षण योग्य है, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा रखता है। साहित्य उन प्रैक्टिकल चीजों को कहते हैं ना, किसी भी विषय को किसी के समक्ष लाने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता पड़ती है, तो साहित्य एक माध्यम है। ठीक है, हमने कोई रिसर्च कर लिया, उसके निष्कर्ष हमें निकले, लेकिन उसे हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों से संप्रेषण के लिए तो हमें भाषा की जरूरत पड़ेगी। तो साहित्य और अगर विज्ञान की, जिन जहाँ इन्होंने प्रश्न किया कि साहित्य और विज्ञान, तो मैं ये कहूंगा दोनों एक दूसरे का परिपूरक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह ही पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक शोध में, जी मैम एक शोध में पाया गया कि ये निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष हमारे सामने तभी आ रहा है जब उसको एक भाषा का माध्यम मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साहित्य को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता। साहित्य को छोड़ के ना विज्ञान आगे बढ़ सकता है, ना इतिहास, ना दर्शन, कुछ भी नहीं हो सकता। साहित्य जो है समाज का निर्माण करने का एक नींव है। हाँ, तो ये कुछ भी, जैसे कि मैंने कहा ना, हम लोग भी रिसर्च करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, वही खोज है। हाँ, तो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जी मैम, जी मैम, निश्चित रूप से। एक विद्यार्थी मैम प्रश्न पूछता है कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील में क्या अंतर है, ये जो दो धाराएं हैं, प्रगतिवाद धारा, प्रगतिशील धारा, इन दोनों में क्या अंतर है, उनका प्रश्न है।
प्रगतिवाद और प्रगतिवाद और प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना। प्रगतिशील मतलब इन प्रोसेसिंग, जो कि प्रोसेस कर रहा है, प्रगतिशील प्रोसेस कर रहा है। प्रगतिवादी एक ये एक धारा है, ये एक विचारधारा है। प्रयोगवाद ये कि वाद एक धारा है, धारा मतलब कोई एक सिस्टम है, एक समय के अनुसार, समय के को ध्यान में मतलब 10 साल 5 साल ये जो सिस्टम चलता है उसको हम धारा कहते हैं। एक वाद चलता है, एक मतलब समय सीमा के अनुसार चलता है। प्रगतिशील मतलब कोई एक विचार है कि जो प्रोसेसिंग कर रहा है, डेवलपिंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जी हम निश्चित तौर पे और एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं। मैं उनका प्रश्न पहले से नासरीन खातून जी ने एक प्रश्न पूछा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है। वो लिखती हैं कि पलायनवादी किसे कहते हैं, तो पलायनवादी के संदर्भ में मैं पहले कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये जो व्याख्यान चल रही है निराला और आज्ञा के ऊपर चल रही है, तो पलायनवादी दोनों में धाराओं में। शायद हाँ, शायद ये पलायनवादी शब्द जो है, जो कि छायावाद युग की प्रवृत्तियों में मैंने कहा था कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि छायावाद युग के कवि जो है जी वो जी जी पलायनवादी। पलायनवादी किसको कहते हैं? जो परिस्थिति को देखकर पलायन करता है, भागता है। हाँ, तो ये पलायनवादी जो प्रवृत्ति है वो लोग कहते हैं कि छायावाद युग के कवि जो है पलायनवादी है, मतलब परिस्थिति से भागने के लिए वो ईश्वर का माध्यम लेते हैं, प्रियतम ईश्वर को बना लेते हैं, निराशा में रहते हैं, और प्रकृति का मानवीकरण, अपनी भावनाओं को प्रकृति में देखना, ये सब बातों को देखकर लोग कहते हैं कि छायावाद युग के लोग जो है पलायनवादी है। लेकिन यहाँ जो हम अज्ञेय और निराला की बात करते हैं उसमें बिल्कुल ये पलायनवादी शब्द आता ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनका व्यक्तित्व ही निराला है, क्योंकि जैसा ही उनका व्यक्तित्व संघर्षमय है, उनकी कविता में भी उसी उसी प्रकार से यथार्थवाद, संघर्ष आदि की भावनाओं को हम देखते हैं। और यज्ञ तो व्यक्तिवादी चेतना के कवि थे यज्ञ, और सामाजिक धीरे धीरे व्यक्तिवाद से आकर जो समाज के साथ समाजवादी कविताओं का भी उन्होंने उनको उन्होंने लिखा, और काफी सारे जो है नए नए उपमान के प्रयोग भी उन्होंने किया। तो ये पलायनवादी शब्द इन दोनों कवि के साथ जुड़े नहीं है। हाँ, शायद मैंने वो छायावाद युग में जो प्रवृत्तियों में पढ़ा था, थोड़ा बहुत मैंने कहा था, उसी समय इस शब्द का प्रयोग मैंने किया था, तो शायद इनका क्वेश्चन, उनका प्रश्न जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जी इसके इतर अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रश्न है, क्योंकि विद्यार्थियों ने जितने प्रश्न पूछे थे मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, इसके उपरांत कोई प्रश्न दिख रहे फिर मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि कोई प्रश्न अगर हो उन्हें पूछने में लिखने में अगर दिक्कत आ रही हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके भी मैम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न है आप लिख करके या अपने माइक को अनम्यूट करके भी मैम के समक्ष पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों को तो मैम अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रश्न वगैरह तो आ नहीं रहे हैं, 2-3 मिनट इंतजार करते हैं उसके बाद फिर तब तक मैम अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक दो चीजें, अच्छा एक प्रश्न आ गया उसके बाद फिर मैं बात करते हैं। वो एक पूछ रहे हैं कि असित जी पूछ रहे हैं कि छायावाद के विशेषताएं क्या है। मैम आपका माइक म्यूट है, माइक को अनम्यूट कर लें। नहीं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, एक दो रेड कलर का साइड में ऐसे बटन टाइप बना होगा, बीच में कॉल एंड करने का रहता, राइट लेफ्ट रहता, एक माइक का एक वीडियो का, तो एक जो रेड टाइप में होगा राउंड शेप में रेड होगा उसको क्लिक कर देंगे आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा मैम। जी 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 आवाज आ रही आवाज। ठीक है, हाँ।
छायावाद युग की जो प्रवृत्तियां है, जो कि मैंने आपको कहा था शायद प्रकृति का मानवीकरण और निराशा, दुख का चित्रण, नारी का चित्रण, और जो क्या था प्रकृति, जो पलायनवादिता, निराशा, व्यक्ति व्यक्तिगत प्रेम और दर्द की भावना, विश्व प्रेम की भावना, ये सब बातें प्रवृत्तियों में आता है। ये छायावाद युग के कवि केवल मात्र अपने व्यक्तिगत प्रेम और व्यक्तिगत दर्द को नहीं लिखते हैं, बल्कि उसको भी, व्यक्तिगत प्रेम को भी विश्व प्रेम में भी डाइवर्ट करते हैं। जैसे कि महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली में भी वो बताते हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना परिचय, इतना इतिहास ही उमड़ी कल्प की मिटाज जगी मैं नीर भरी दुख की बदली। लेकिन मैं बस काव्यगत विशेषताओं को जानने के लिए थोड़ा बहुत आपको प्रवृत्तियों के बारे में बताया था, लेकिन मेन कविता दोनों, ये जो हिरोशिमा और अगेन है, ये तो छायावाद युग से अलग है। इससे संबंधित और कोई सवाल? शायद तीन मैसेज है, आप देख लीजिए अभिषेक जी। जी जी नहीं मैम, एक मैसेज है, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि निराला की जो कविता है जो अभी हमने पढ़ी भिक्षु, तो उसकी मूल संवेदना क्या है, वो ये पूछ रही है कि कविता की जो मूल संवेदना क्या, किसके ऊपर लिखी गई है, क्या संवेदना है, किस आधार पर ये कविता लिखी गई है। इसे तो साधारण बात है, भिक्षुक मतलब एक भिक्षुक के ऊपर लिखा गया है, भिक्षुक की संवेदना है, मतलब भिक्षुक कौन है, एक समाज में जिसको कि हम लोग बहुत ही निम्न स्तर पर रखते हैं, बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं, उसकी संवेदना है। और ये अगर उसको हम प्रगतिवाद के साथ जोड़े, तो जैसे कि मैंने कहा कि दो वर्ग के बारे में चित्रण होता है इसमें, जो कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, तो निश्चित रूप से इसका शोषण हो रहा है, दयनीय स्थिति में है, दर्द में है, किसी से भी वो सहानुभूति नहीं पा रहा है, तो इसीलिए ये शोषित वर्ग में है। तो मुख्य बातें इसमें है कि वो जो निम्न स्तर पर है, निम्न वर्ग में है, या हीन दृष्टि से, समाज की हीन दृष्टि में है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि समाज में ऐसे ऐसे स्तर के लोग हैं, ऐसे ऐसे वर्ग के लोग हैं, इनको भी जीने का अधिकार है, तो इनके प्रति हमारी सहानुभूति होना चाहिए, इनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए। तो इसकी मतलब उनका उद्देश्य यह है कि पाठकों को ये सजग कराया जाए कि समाज में ऐसे जो वर्ग है, गरीब श्रेणी के लोग हैं, इनका शोषण ना किया जाए, उनके प्रति जो है सहानुभूति दिखाया जाए। जी मैम, निश्चित तौर पे यही जब निराला की बात करते हैं। अच्छा विद्यार्थियों ने, मैम आपको धन्यवाद लिखा है कई विद्यार्थियों ने, मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग निराला की बात करते हैं तो शुरुआत से जब उनका जीवन देखते हैं या उनके मरण देखते हैं, अंत अंत समय में बहुत सारा अभाव रहा, एक बहुत बड़े बहुत अच्छे साहित्यकार रहने के बावजूद भी उनके जीवन बहुत कठिनाई से गुजरी। निराला के संदर्भ में क्योंकि बहुत सारे वो अपने कविताओं को लेकर बहुत सारे पब्लिशर के पास जाते हैं, तो कुछ पब्लिशर उनको वापस भी करते हैं, कुछ छापते नहीं और वो वापस आ जाते हैं, फिर भी वो संघर्ष करते रहते हैं। और कोई ऐसा बाप है जो मतलब उनकी पत्नी मर जाती है, उनका बेटा मर जाता है और एक इकलौती बेटी होती है, ऐसे वो बाप ऐसे हैं कि बेटी का ब्याह भी उन्होंने खुद किया है ब्राह्मण बनकर, और बेटी का जो सुहाग सेज है खुद उन्होंने ही जो है सजाया था, और बेटी का भी देहांत हो जाता है बाद में, और इनका तर्पण भी उन्होंने खुद किया था। तो कोई ऐसा बाप होगा जो कि व्यक्तिगत जीवन में इतना सारा सब कुछ किया होगा, इतने दुख को वो सहा होगा, और उसी दुख की भावना उनकी जो सरोज स्मृति है उसमें दिखाया है, इन्होंने सरोज उनकी जो बेटी है उनकी स्मृति में, उसकी याद में जो है उस कविता को उन्होंने लिखा था। और ये भी उन्होंने दिखाया था, कोई उनका व्यक्तिगत जीवन को भी अगर हम देखें तो कोई इनका जो क्या बोलते हैं ज्योतिष, कोई कहता है कि इनका दोबारा जो है शादी भी हो सकता है, हो सकती है, तो जब वो ये सुनते हैं और देखते हैं घर वाले मतलब पड़ोस वाले मतलब जो उनके परिवार वाले हैं उनको दूसरी शादी के लिए फोर्स करते हैं, तो वो देखते हैं पत्नी उनकी जो बेटी है वो उनका जो ताड़पत्र में जो रहता है वो तोड़ के जो है खेलती हुई तोड़ देती है, तो और फिर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, और इन्होंने भाग्य का लिखा जो है उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, भाग्य में लिखा था वो उसमें,
ज्योतिष ने बताया था कि हाँ दूसरी शादी है, लेकिन उन्होंने ये नकार दिया कि ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब उनके अंदर वो आत्मविश्वास था कि मुझे लड़ना है और मुझे वहां तक पहुंचनी है, मुझे अपना जो अधिकार है उसको मुझे बिल्कुल मुझे पाना है। और राम की शक्ति पूजा में भी हम देखते हैं ना उनकी जी जो हाँ निश्चित व्यक्तिगत जो निराशा है, कभी कभी तो व्यक्ति निराश हो ही जाएगा ना, इतना संघर्ष करेगा इतनी निराशाओं को पाएगा, तो राम के माध्यम से भी उनको एक्सप्रेस भी वो कर देते हैं। वो क्या लाइन था कि जो दुख ही जीवन की कथा रही, वो जो दूसरा लाइन क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, जो अब तक जो ना ना नहीं कही तो दुख ही विडंबना ही पीड़ा ही उनके जीवन में रही, फिर भी वो कोशिश करते हैं और राम के माध्यम से वो दिखाते हैं कि फिर से वो लड़ते हैं और फिर से उनको जीत हासिल होती है। तो ऐसे व्यक्ति कभी पलायनवादी तो नहीं हो सकता, निराला तो सच में ही निराले ही हैं। और इनकी कविताओं के माध्यम से भिक्षु को भी उन्होंने दिखा, लोगों की सहानुभूति पाना, जैसे कि मैंने कहा जो शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से उन्होंने किया हुआ है, जो शब्दों का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। और कुछ सवाल, सात मैसेज दिख रहा है मुझे, और कोई सवाल है क्या? नहीं, मैम वो स्टूडेंट्स आपको निरंतर थैंक यू लिख रहे हैं अच्छा 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 तो अच्छा वही तो अभी मेरी जी तरफ जी से थैंक यू। अच्छा जी जी मैम वही तो है। विद्यार्थियों अगर आपके कोई और प्रश्न हो तो आप समक्ष मैम के समक्ष रख सकते हैं, अन्यथा हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो अंतिम में अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रश्न है, अगर वो लिख करके भी अपने प्रश्न ना पूछ पा रहे हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो मैम के समक्ष रख सके। विद्यार्थियों के पास, सारे विद्यार्थियों के पास मटेरियल है? हाँ मैम, मटेरियल तो डिस्पैच होने का काम होता है, वो तो एकेडमिक्स वाले अच्छे से बता सकते हैं। हमारा काम रहता मतलब है कि वही मेल थ्रू ही भेज दिए हैं? अपलोड वेबसाइट पे तो बहुत पहले ही हो जाती है, उसका प्रिंट भी एक जाता है अच्छा ठीक। जी। तो बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह का हो गया था, पोस्टल वगैरह बंद था, तो हो सकता है कि किन्हीं के पास हाँ ना हाँ पहुंचा हाँ हुआ, लेकिन वेबसाइट पे अपलोड है पहले से ही सब। जी मैम, मुझे नहीं लगता विद्यार्थियों के पास और कोई प्रश्न है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और बिल्कुल विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इसके उपरांत भी अगर कुछ प्रश्न उनके रह गए हैं उनके मन में, तो वो मुझे लिख करके या वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेरा नंबर और मेरा ईमेल है, मुझसे भी सीधे सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न मैम तक संप्रेषित कर दूंगा। और इन्हीं के साथ मैं आपसे विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने अपना अमूल्य समय हमें दिया, क्योंकि कोई भी कक्षा बिना विद्यार्थियों के पूर्ण नहीं होती। तो सबसे बड़ा साधुवाद धन्यवाद बिल्कुल। विद्यार्थियों को, हमारी टेक्निकल टीम को बहुत धन्यवाद क्योंकि लगातार निरंतर से हमारा साथ देने खास रहते। बहुत खास करके देवाशीष जी को, क्योंकि मुझे भी ये सब पता नहीं था, उन्होंने मेरी सहायता की। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नहीं मैम, अभिषेक आपको बहुत जी। बहुत धन्यवाद कि आपने अपने समय दिया, और ये तो मेरा काम ही है, इसको कोई धन्यवाद वाली बात नहीं है। ये रिसोर्स पर्सन को लाना, नए विषय पे उनसे बातचीत करना, यही विद्यार्थियों के लिए साहित्य, यही साहित्य है जो कि भावनाओं का आदान प्रदान करता है। कि ये जो धन्यवाद शब्द है बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन हृदय से निकलती है और दूसरे व्यक्ति के हृदय को छू जाती है। और इससे क्या होता है कि रिश्ते संबंध जो है बहुत अधिक जो है स्ट्रांग हो जाता है। जी ये मैम निश्चित साहित्य है, तौर पर साहित्य ही जीवन है। मैं तो मानती हूँ कि साहित्य ही जीवन है। अगर मैं साहित्य को नहीं पढ़ती तो शायद जीवन को इतनी बारीकियों से नहीं देख पाती। तो मेरे लिए तो साहित्य बिल्कुल वरदान ही है। जी मैम निश्चित तौर पे। देवाशीष सर बहुत बहुत थैंक यू, मैम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी किसी विषय पे अगर मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, और आपसे अनुरोध है कि आप अपना समय देंगी इन्हीं आशा बिल्कुल के साथ। बिल्कुल जी मैम, इन्हीं आशा के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की कक्षा थैंक यही समाप्त होती है। आप विद्यार्थी चाहें तो अपनी ओर से अपने कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैम आप भी चाहें तो अपने कॉल को उधर से डिस्कनेक्ट कर सकती हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू मैम।